हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी इंग्लिश का एक टॉपिक रहता था दैट इज़ योर इंटरपर्सनल स्किल्स पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट तो मैं बता दूं कि इस टॉपिक में uh, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो आपका यू के मेंस में रहता है या एथिक्स वाले सब्जेक्ट में रहते हैं हम उसी के साथ रिलेट करके इसको पढ़ते हैं लेकिन अगर यहाँ पे पूछी हुई है तो वो इसलिए पूछा हुआ है बिकॉज कल को जब आप लोग एक ऑफिसर बनोगे तो यू शुड नो कि हाउ टू डील विद अदर पर्सन राइट ऐसा नहीं है कि तुम उसको अपना एक गंदा सा बिहेवियर दिखा के रूडली बात करो उससे क्योंकि आजकल अगर आप इसकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल लें तो कहते हैं ना कि ये ऑफिसर कितना बदतमीज़ है या तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रहेंगी किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं ठीक है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है और आपकी लाइक प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है तो इसमें लाइक टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ आ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और आप कर लोगे ये टॉपिक जो भी क्वेश्चन आएगा यू लाइक हमें पता होता है कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं बस हाँ हा, हम वैसे करते नहीं हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स होता क्या है तो इंटरपर्सनल स्किल्स वही है इफ़ेक्टिवली रिक्वायर्ड रहता है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रैक्ट करने के लिए जब भी आप किसी ग्रुप में वर्क करते हैं या इंडिविजुअली वर्क करते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कभी कभी वर्बल और नॉन वर्ब वर्बल कम्युनिकेटर्स मतलब इसमें आप इंक्लूड होते हैं कि हम कैसे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें ठीक है कहाँ यूज़ होता है कैरियर में और पर्सनल लाइफ में इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स जो भी आप कहना चाहें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके वाई इंटरपर्सनल स्किल्स मैटर मोस्ट ऑफ वॉट वी डू इन लाइफ रिक्वायर्स इंट्रैक्शन विद अदर पीपल बिल्कुल सही क्योंकि ऑब्वियसली कल को आप जब ऑफिसर बन जाओगे एग्जाम क्लियर होने के बाद तो आप कितने लोगों के साथ इंट्रैक्ट करोगे ठीक है तो जब आप लोगों के साथ इंट्रैक्ट करोगे ऐसा तो नहीं है ना कि जाके ही थप्पड़ मार दोगे ऑब्वियसली आपको एक एक स्टेटस एक, 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 एक कुछ मेंटेन करके रखना होता है वहाँ पे तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं ठीक है और अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्रेंडशिप को अच्छी करने के लिए है ना लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए ये बहुत ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल इंटरपर्सनल स्किल्स आर ऑफन कंसिडर टू बी समथिंग दैट कम्स नेचुरली दैट यू आर इज ब्लेस्ड विद दैम और नॉट द ट्रूथ इज़ दैट दे कैन बी ओके ये एक आपने सुना होगा ना कि इंसान के संस्कार कैसे हैं वो बताते संस्कार इज़ नॉट अबाउट कि जो आप सोच रहे हो संस्कार इस मैनर्स क्या है अंदर से वो क्या सोचता है ठीक है तो आपको ये कहते हैं कि ये आपको इनबिल्ड होते हैं बट खुद भी बिल्ड कर सकते हो अपने पे काम करके ऐसा नहीं है खुद की पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मुझे पहले बहुत बहुत गुस्सा आता था बट देन आई वर्क ऑन माई सेल्फ एंड नाउ एम काम पर्सन है ना एम अ पीसफुल पर्सन तो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो ये आप खुद कर सकते हो अब दो किस्म की स्किल्स यहाँ पर बताई हैं फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल्स एंड अनदर वन इज़ सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स क्या है जब हम सपोज uh, टेक्निकलिटीज़ जिसको हम कहते हैं ना जब आप किसी को रेज्यूम में अपना भेज रहे होंगे तो वहाँ पे आपको किन किन एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है तो वो आपकी टेक्निकल स्किल्स में आ सकती है हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि इनमें से सॉफ्ट स्किल कौन सी है और इनमें से टेक्निकल स्किल्स कौन सी है ठीक है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लिखा है कि जब भी हम एक जॉब एप्लीकेशन को प्रिपेयर uh, करते हैं तो उस जॉब एप्लीकेशन में हमारा मोस्टली फोकस क्या रहता है टेक्निकल स्किल्स पर ठीक है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें आती हैं क्या इसको अकाउंटिंग आती है फाइनेंस आता है एक्सेल चलाना आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है या इससे रिलेटेड स्किल्स मतलब जो भी आपकी टेक्नोलिटीज हैं ठीक है हाउ जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है हम बात करते हैं कि इंसान के अंदर के क्या क्या चीज़ें हैं क्या आप वो एक ग्रुप में परफॉर्म कर सकता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट लिंगड इन सरवे आपको पता होगा लिंकडिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन गेट जॉब ईजिली है ना अपना सब बायोडाटा भरो तो ठीक है टू हंड्रेड मैनेजर्स इन स्किल्स आर बोथ मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो हार्डर टू फाइंड फिफ्टी ऑफ मैनेजर्स रिपोर्टेड दे हैव ट्रबल फाइंडिंग पीपल विद राइट सॉफ्ट स्किल है ना वही है कि आपके अगर सॉफ्ट स्किल्स होगी ना तो लोग आपको इजीली लेंगे है ना हो सकता है आप गुस्से में हो जन मतलब किसी को भी चलते फिरते थप्पड़ मार दोगे तो अगला इंसान अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेने से पहले सोचेगा कि ये सपोज आपको इंस्टीट्यूट में ही है ना काम करना होगा तो वो सोचेगा कि ये टीचर कैसा है क्या ये बच्चों को बहुत रूडली बिहेव कर रहा है या उनको प्यार से समझा रहा है तो आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करती हैं ट्रस्ट में ठीक है ये एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे बताया हुआ है कि टेक्निकल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या रहता है देखो टेक्निकल में आपका आई क्यू कैसा है आपका आप कितने इंटेलिजेंट हो आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज है और इंटरपर्सनल में इमोशनल क्वेश्चन कैसा है सपोज अगर कोई इंसान आपको आपकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है तो मतलब आप उस प्रॉब्लम को समझ रहे हो या जस्ट सुन के इग्नोर कर रहे हो मोर देन सिंपथी नीड एम्पथी हियर ओके चलो और क्या है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं चेंजिंग रूल्स हैं मतलब एडजस्ट कर सकते हैं क्या चीज़ों को लर्न इन स्कूल ये आपको आपने स्कूल में सीखी होती है और ये आप लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते होते तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बड़ी किताब कोई नहीं होती जो आपको बहुत सारे सबक सिखा देती है जो आपने स्कूल में भी नहीं सीखे होते है ना इजिली टेस्टेबल क्योंकि आप ऑब्वियसली आपने जो चीज़ सीखा होगा हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या इस इंसान को ये चीज़ आती है क्या इस इंसान को ये चीज़ आती है लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स हार्डर टू टेस्ट वाई हार्डर टू टेस्ट बिकॉज ये सिचुएशन जब वैसी अराइव होएगी तब आप कैसे रिएक्ट करोगे ये हम सिर्फ तभी टेस्ट कर सकते हैं अभी तो ख्याली पुलाव बहुत बना सकते हो नहीं नहीं आई कैन डील विद दिस सिचुएशन आई कैन डील विद दिस प्रॉब्लम एज वेल बट वैन इट कम्स टू द एक्चुअल सरफेस तब हम कैसे उसके साथ डील करते हैं दैट ऑल कम्स अंडर योर इंटर पर्सनल स्किल्स ओके कैन बी लर्न राइट है ना स्कूल में सीख सकते हो हर जगह सीख सकते हो दिस इज़ ऑल्सो कैन बी लर्न इट डिपेंड्स ऑन योर एन्वायरमेंट योर सराउंडिंग्स कहते हैं ना कि आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप किन लोगों के साथ आपका सर्कल डिसाइड करता है कि आप कैसे हो तो ये सारा इंटरपर्सनल और पर्सनल टेक्निकल स्किल्स में आता है हेवी फोकस इन करियर इक्वली इम्पॉर्टेंस ठीक है कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इक्वली इंपॉर्टेंट है और लेस फोकस्ड है तो पूछ सकते हैं इनमें से क्या पूछ सकता है कि टेक्निकल स्किल्स आर वॉट आर ईजी टू टेस्ट है ना Uh, और इसको लिख सकता है या इजी टू टेस्ट इंटरपर्सनल स्किल्स आर इजी टू टेस्ट ठीक है इज दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि नो इंटरपर्सनल स्किल्स आर हार्डर टू टेस्ट ओके तो ऐसे ऐसे सवाल इस पर बन सकते हैं अच्छा क्या क्या लिस्ट ऑफ़ इंटरपर्सनल स्किल्स है जो आपको अपने रिज्यूमे में डालने सपोज अभी तो uh, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बट वैन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर तो यू हैव टू मेक अ रेज्यूमे है ना जिसमें तुम्हें uh, आधी चीज़ें तो ऐसे उठा उठा के लिखनी होती हैं कि हमारे पास ये है ये है ये है आधी चीज़ें होती भी नहीं है उसमें में। तो ये सारी आपकी अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड अदर ऑब्वियसली आप खुद के बारे में कितना अवेयर है इंट्रोस्पेक्ट है ना आप खुद को कितना इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो तभी कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मैथड इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक, एक ये भी होता है कि आप उन्हीं लोगों से क्रिटिसिज्म लीजिए जिनके पास आप कभी सजेशन के लिए जाएंगे सपोज इफ यू इफ समबडीज क्रिटिसाइज यू कि यू आर दिस यू आर दिस यू आर बैड इन दिस है ना तो जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग कि आर यू गोइंग टू कंसर्न यम व्हेन इट कम्स टू द सजेशन है ना तो अगर उस इंसान के पास जा रहे हो जब आपको कोई सजेशन की ज़रूरत है तो उस इंसान से क्रिटिसिज्म लीजिए ये इंटरपर्सनल नहीं है ये जस्ट एक यूनिद है ठीक है चलो केयरिंग अबाउट अदर पीपल लोगों के बारे में कितने आप केयर कर रहे हो ऑब्वियसली ना आ, कि आपकी सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ अ कंपनी राइट आप वहाँ पर फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं ना तो आप बेशक आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो बट वैन इट कम्स टू द फिजिकल स्ट्रेंथ तो सम हाउ यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि मुझे किसको कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ का काम देना है मेंटल हेल्थ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते दोनों में बराबर होते इवन बेटर ही होगी किसी एक में ठीक है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप कितना केयर कर रहे हो अगर किसी को इमोशनली आपकी ज़रूरत है तो आर यू अवेलेबल फॉर दैट पर्सन ठीक है कोलेबोरेटिंग एंड वर्किंग वेल टुगेदर विद अदर्स कंफर्टिंग पीपल वेन दे नीड इड है ना कम्फर्ट जोन एक क्रिएट uh, करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में है ना क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली मैन्यूपुलेट करके आप बात नहीं कर सकते हाँ जी हाँ जी हो जाएगा आप ऐसे करिए देखते हैं तो नो दिस इज़ नॉट द यू नो राइट वे तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन स्किल्स है ना आप कितना कन्फ्लिक्ट को ईजिल मैनेज कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वेज पीपल कैन इम्प्रूव है ना एक कंपनी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एनुअली और बाई एनुअली और मंथली आप जैसा भी आपको पसंद हो है ना कि आ, क्या ये पर्सन सही काम कर रहा है या क्या हमें हम सही काम कर रहे हैं अगर सपोज़ आप किसी इम्प्लॉयज से ले रहे हैं तो आप उस इंसान को पूछ सकते हैं कि लाइक आर वी ऑन द राइट पाथ क्या हम सही कर रहे हैं चीज़ें या उबड़ खाबड़ है डिप्लोमेसी है ना आप किस तरीके से आ, कहते हैं ना कि ऑब्वियसली जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करेंगे आगे जाके फ्यूचर में जब भी अगर आपका कुछ माइंड होगा तो आप एक डिप्लोमैट बनेंगे उस डिप्लोमैट में आपकी ये स्किल्स देखी जाती है कि इधर यू आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन विदाउट हॉस्टैलिटी और कि आप एक फर्स्ट क्रिएट कर देते हो है ना तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं एम एम्पथी मैंने पहले ही बोल दिया सिंपथी से ज़्यादा एम्पथी होनी चाहिए आपको सिर्फ सिंपथाइज़ नहीं करना उस चीज़ को कि हाई ये आर टू दुखी आपको यू हैव टू फील दैट इमोशन है ना कि ये दुखी है तो मेरे अंदर भी वो चीज़ होगी अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं कैसे डील करती इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू डू देअर बेस्ट ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज ये आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को डिसक्रेज करने से बेटर है उसको एनकरेज करो आजकल ज़्यादा लोग डिप्रेशन में पता है क्यों जा रहे हैं क्योंकि हम उनको उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा बोलते हैं सपोज um, इफ वेल दिस इज़ नॉट द राइट एग्जाम्पल बट सपोज है ना कैंसिल कैंसिल अगर ये ले भी लो आप एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान दैट पर्सन इज़ जस्की कलर और नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन है ना तो आप क्या करोगे हो सकता है आप उसके सामने कोई ऐसी बात कर दो जो उसको हर्ट हो हो सकता है आप कहो कि uh, एक वीडियो का शूट हो रहा है लेकिन यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट पर्सन बिकॉज दे नीड फ्यर स्किन है ना दो uh, अकॉर्डिंग टू यू आपने उसको हर्ट नहीं किया आपने उसको एक फैक्ट बताया जो उनकी डिमांड है बट स्टिल आपको लोगों को इनक्रेज करना है या आप लोगों को बोल सकते हो कुछ अलग तरीके से है ना इंस्पायर कर सकते हो कि यू कैन डू बेटर यू डिज़र्व बेटर देन दिस अगर कोई वो है आप क्या करते हो उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा बताते हो तो दैट्स नॉट द राइट थिंग फ्लेक्सीबिलिटी इन थिंकिंग एंड ऑपरेटिंग स्टाइल है ना फ्लैक्सीबिलिटी तो हर जगह होनी चाहिए सपोज इफ आई एम टीचिंग यू आपने पहले से कहीं से पढ़ा हुआ है तो यू शुड भी फ्लेक्सीबल कि नहीं मुझे ये भी सुनना है ऐसा अपने दिमाग रिजिट थॉट नहीं लाने हैं कि नहीं नहीं मैंने वो पढ़ा हुआ है वो वो ठीक है ये गलत है मुझे सुनना ही नहीं है तो ऐसा नहीं होता ह्यूमर और लाइट हार्टेडनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए या किसी जॉब में या अपने, -अपने आप में एज अ पर्सन आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस रहना चाहिए हर बार किसी से रूडली बिहेव करने से आपकी पर्सनालिटी जज नहीं होती आपका ओ, आपका क्या बोलूँ मैं आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जज होती हैं ठीक है थीके? तो ह्यूमर क्रिएट करते रहना चाहिए ताकि लोगों को भी मज़ा आए आपके साथ बैठने में आप हमेशा उनको अपने दुखी सुनाते रहोगे तो नो बडी विल एंटरटेन यू ओके इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू एक्टिव ग्रेटनेस बिल्कुल इंस्पायर करना ही करना है लिसनिंग वेल बिकॉज अ गुड स्पोक्स पर्सन शुड बी अ लिसनर फर्स्ट है ना गुड लिसनर फर्स्ट सो लोगों को अच्छे से सुनू बिकॉज uh, कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम सुनाने तो हम क्या करते हैं सुनने से ज़्यादा अपनी सुनाने शुरू हो जाते हैं वो कहेगा मैं दुखी हूँ यार मैं तेरे से भी ज़्यादा दुखी हूँ तो वो बोलेगा ठीक है भाई मुझे इतना दुख नहीं चाहिए तो अपना दुख अपने पास रख मैं तो अपना दुख अपने पास रखूँगा तो अगर कोई आपको अपना दुख सुनाने आ रहा है तो सबसे पहले उसका सुनो फिर टाइम हो तो अपना सुना दो मैंटरिंग एंड कोचिंग टीम मेम्बर्स है ना मैंटर एक करना आपको अच्छे से आना चाहिए नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि uh, जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो आप कनेक्शन बिल्ड करते हो तो आप अपने लिए फ़ायदा देखते हो है ना आपने uh, कभी ना कभी सुना होगा गुडविल है ना इंटर्जल एसेट जो है तो ये गुडविल जो है ये नेटवर्किंग और बिल्डिंग रिलेशनशिप से ही आती है तो आप गुडविल आपके पास कितना एसेट है ये भी डिपेंड करता है एक वक्त आने पर नॉन वर्बल वर्बल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज देखो आप जब भी किसी से बात करते हो ना तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत आप सपोज़ किसी से बात कर रहे हो पोलाइटली लेकिन आपके चेहरे पे इतना गुस्सा है आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसे फाड़ वाली है तो वो पर्सन आप पे रिलाई uh, नहीं करेगा फिर किसी भी चीज़ के लिए उसको आपसे डर लगेगा है ना वो हमेशा एक डिलेमा में रहेगा दैट इधर दैट पर्सन इज अ राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन आई शुड ट्रस्ट हिम और नॉट ठीक है पेशेंस वेन विद अदर पेशेंस इज़ द की पेशेंस रखनी ही रखनी है कुछ भी हो जाए पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है प्रेजेंटेशन स्किल्स कहती है कैसी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन नो मैटर हु दे आर है ना सेंसिटिविटी टू द प्रेफरेंस एंड विशेज ऑफ अदर सेंसिटिव रहना चाहिए थोड़ा बहुत है दो तो इतना ज़्यादा भी सेंसिटिव नहीं हो जाना चाहिए कि कोई आपको थप्पड़ मार के चले जाए और आप दूसरा गाला करो बट सेंसिटिव रहना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके सपोज uh, mm, चलो एक एग्जांपल देते हैं सपोज़ इफ़ somebody has lost someone in in his or her family you तो यू शुड बी सेंसिटिव अबाउट दोज क्राइटेरिया कि मुझे इसके साथ क्या बात करनी है ऐसा नहीं है कि तुम रूडली बात करो या उस चीज़ को बीच में लाने की बात करो तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए सोशलाइजिंग स्किल्स कैसे सोशलाइज़ होना है किसी के साथ है ना ये चीज़ होनी चाहिए बींग गुड एट टीम बिल्डिंग एंड एट बिल्डिंग ट्रस्ट टीम बिल्डिंग आएगी तभी तो लोग आपके साथ काम करेंगे नहीं तो वो बोलेंगे यार इसके साथ कौन काम करेगा लोग भागेंगे आप लोगों से कल को आप ऑफिसर बन जाओगे आपका कोई जूनियर आपकी टीम में नहीं आना चाहेगा क्योंकि उनको पता है कि इज़ नॉट द राइट पर्सन है ना जो एक टीम बिल्ड कर सके टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर ऐसा नहीं है कि हवा बना लिया तो लाइक आम एन ऑफिसर आई कैन डू एनी थिंग आई डोंट नीड एनी वन नो यू शुड बी टॉलरेंट एंड यू शुड बी रिस्पेक्ट फॉर अदर टीम मेंबर्स एज वेल है ना तो इस, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है चलो अब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन द पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी बिकॉज दे अलो पीपल टू डिस्कस प्रॉब्लम राइट है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प करोगे तो ये आपको पता है आपको पत, मतलब आप अच्छे होंगे तो लोग भी आपको आके अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आप जजमेंट पास करते रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल ऑब्वियसली अगर आप आपके एक पोअर कम्युनिकेशन है आपके एम्प्लॉयर्स में और एम्प्लॉयज़ में तो वो क्या करेंगे वो बिज़नेस को किसी ना किसी तरीके से हार्म करेंगे सपोज़ आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे मैं बाबर इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि ईजी है तो सपोज़ जो एच है इंस्टीट्यूट का वो वो अपने जो एम्प्लॉय है उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा तो वो अपना बेस्ट नहीं देंगे वो बेस्ट नहीं देंगे वो बच्चों को जाके कुछ कुछ बोलेंगे एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी पूरी फ्रिक्वेंसी जो है वो नेगेटिविटी की चलती जाएगी तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन होगी तभी तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे है ना आप अपने टीम मेंबर्स को बताओगे ये ये चीज़ों की प्रॉब्लम है हमें इस इस चीज के ऊपर काम करना है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अ क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉय इन द यू एस डू नॉट ट्रस्ट योर एम्प्लॉयर है ना कि पता नहीं ये क्या बोलता होगा पता नहीं मेरे बारे में तो नहीं बोलता होगा उसको मेरे बारे में चुगली करता होगा बिचिंग करता होगा है ना तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सके आप उनके साथ बात करोगे तभी वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे और उस वर्क प्लेस को अच्छा बना पाएंगे चेंज मैनेजमेंट गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चेंज मैनेजमेंट एफर्ट्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉय बेटर अंडरस्टैंड द चेंज ठीक है क्योंकि देखो um, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होएगी ना तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे अपने एफ़र्ट्स लगाने हैं और किस सेशन में अपने एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पर भी हेल्प करेगी कंपनी कल्चर भी अच्छा होगा क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो एक इन्वायरमेंट अच्छा होगा इन्वामेंट अच्छा होगा तो नेगेटिविटी दूर होगी नेगेटिविटी दूर होगी तो कन्फ्लिक्स कम आएंगे कन्फ्लिक्ट कम आएंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी सब अपना अपना पॉइंट रख पाएंगे कि हाँ हमारी कंपनी को इस चीज़ की ज़रूरत है वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल या जो जो भी आपको चीज़ों पे काम करने के लिए होगा वो इंटरपर्सनल स्किल से इम्प्रूव होगा एक पॉजिटिव इन्वामेंट जो है वो आएगा लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी ठीक है एम्प्लॉय रिकग्निशन अच्छा इससे क्या होता है कि कभी कभी पता है क्या होता है वो कहते हैं ना कि तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें काम नहीं मिला या एक है कि सबसे दुखद घटना है ज़िंदगी में बिना पहचान के मर जाना सपोज आप में काबिलियत है लेकिन आपको कोई जान ही नहीं तो वो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है तो जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से अपने इंटरपर्सनल स्किल्स दिखाएंगे एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो एज एन ऑफिसर आपको पता होगा कि इस इंसान के साथ पास क्या क्या चीज़ें हैं इस इंसान के पास क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो पता होंगी तो ये भी एक एम्प्लॉय की एबिलिटी को रिकोगनाइज़ करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए वर्क प्लेस मिसकम्येशन मिसकम्युनिकेशन जित कभी कभी हो जाता है मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं चीज़ें ये चीज़ आपने आपका माइंड सेटअप नहीं होता है लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं इज़ अ पर्सन जिसने हमें हर्ट किया तो मिसकम्युनिकेशन दूर करने के लिए प्रोफेशनलिज्म को मेनटेन करने के लिए है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके और इंटरपर्सनल स्किल से आपकी गॉसिप वाली चीज़ें भी कम होंगी ठीक है आप गॉसिप कम करोगे लोगों को लेके उसके बाद आपकी आती है पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं इंटरपर्सनल स्किल से और इंटरपर्सनल स्किल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप, आपके वर्क प्लेस में और आपका जो हेल्दी रिलेशनशिप है ना वो बिल्डअप होगा इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट और लीडरशिप आएगी आपको पता होगा कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में अच्छे से आएंगी उसके बाद एम्प्लॉय की सक्सेस ऑब्वियसली आप एक गुड लीडर होंगे तो आपके इंप्लॉयज़ भी जो हैं वो अपना बेस्ट देंगे ऐसा नहीं वो सोचेंगे नहीं हमें तो करना नहीं है हमारे सर को हमारी कदर नहीं है वो बात अच्छे से नहीं करते तो आप भी अच्छे से काम करोगे और दूसरों को भी सिखाओगे कि कैसे अच्छे से काम करना है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अगेन वही है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे कैरियर डेवलपमेंट है ना प्रोग्रेशन uh, होगी एम्प्लॉयर्स को काम करने का मन करेगा लोग कहेंगे कि हाँ यार वर्क इन्वायरमेंट ऐसा ऐसा है तो हमें भी इस वर्क इन्वायमेंट के अकॉर्डिंगली काम करना है लोगों को मज़ा आएगा काम करने में लोग इरीटेट नहीं होंगे पता है इसी आधे लोग तो अपनी ऑफिस जॉब की वजह से ही कितने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें रिमोट वर्क होगा ठीक है कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप क्या करोगे एंगेज रखोगे सबको है ना अपने अपने कामों में तो लोग भी मज़ा लेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो सब आपका साथ देंगे तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगी उसके बाद क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन कर्टेसी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली हैं वही चीज़ें ठीक है फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए आप ऑनेस्ट होने चाहिए एथिकल आपकी मॉरल वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए ठीक है इंटरपर्सनल स्किल्स तो होनी ही चाहिए आप कितने नाइस हो लोगों के साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए लाइक बिजनेस लाइक लाइक like, ऐसा नहीं है कि इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब कि आप जाके किसी को कुछ कहो ही नहीं तब तो आपको ही नुकसान है ना तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टीम वर्क होना चाहिए और वर्क एथिक होने चाहिए कि आपको कैसे काम करना है आप किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हो आप खुद मोटिवेट हो या आप सिर्फ दूसरों को ही ऐसे बोली जा रहे हो तो आप आप कैसी वाइब चेक दोगे वो भी आगे से डिपेंड करेगा तो ये था आपका वाई इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट ज़्यादातर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं तो वो एक बार देख लीजिएगा बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम दैट इज़ आर जे पूना मंडस है ना तो कुछ भी डाउट होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग वहाँ पर मुझे पूछ लीजिएगा इसमें इतना ही है कोई ज़्यादा हवा बना दिया था लोगों ने कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या करना है इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या करना है तो इसमें बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपने ये चार पांच चीज़ें भी सीख ली तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा सो थैंक यू क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे आप लोग अच्छे से पढ़िए और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आर्जे पूनम आप लोग इंस्टा पर मुझे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच क्लास है वन आई